इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सहारनपुर में आज मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। कैराना प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। सहारनपुर के गंगो में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे। वही नवीन मंडी स्थल गंगो में सीएम जनसभा को संबोधित करेंगे और 400 पार का लक्ष्य जो है उसका नारा देंगे। दोपहर 1:45 पर बड़गांव देवबंद में जनसभा होगी। दूसरी सभा बड़गांव के डीपीएस पब्लिक स्कूल में आज मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के लिए वोट की अपील करेंगे जनता से। बड़ी खबर आ रही है, देवरिया में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। युवतियों पर एसिड अटैक कांड पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी है। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, दोनों अपराधियों को अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं युवतियों की हालत भी सामान्य बताई जा रही है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के कलावन के पास ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आई है। देवरिया पुलिस का एक्शन अवतार देखने को मिला है। युवतियों पर एसिड अटैक कांड पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चुनावी दौर में अखिलेश यादव का पीलीभीत दौरा है, तो आज अखिलेश यादव पीलीभीत के दौरे पर है। पूरनपुर में चुनावी सभा को अखिलेश यादव संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 पीलीभीत में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हुंकार भर रहे हैं। भगवत सिंह के पक्ष में आज अखिलेश यादव पीलीभीत के दौरे पर है। बड़ी खबर है लखनऊ से इस वक्त की, ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन हुआ है। गुरुवार देर रात ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन हुआ है। लंबे समय से ओपी राजभर की मां बीमार चल रही थी, जहां बीती रात उनका निधन हुआ है। सियासी गलियारों में शोकपूर्ण खबर आ रही है, ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन हुआ है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर की मां का बीती रात गुरुवार निधन हुआ है। लंबे समय से ओपी राजभर की मां बीमार चल रही थी, जिसके बाद बीती रात गुरुवार को ओम प्रकाश राजभर की मां का निधन हुआ है। चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरा है। बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह ठाकुर के लिए आज सभा करेंगे। वही बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में आज सभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11:15 पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था में जुटे हुए हैं। दिल्ली रोड पर बुद्ध विहार के मैदान में आज अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। तो आज अमित शाह का मुरादाबाद दौरा है। चुनावी बिगुल बज चुका है और ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी हुंकार भर रहे। सुबह 11:00 सर्किट हाउस मुरादाबाद भूपेंद्र चौधरी जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में शामिल होंगे। तो आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का चुनावी दौरा शुरू हो रहा है। चुनावी दौरे पर भूपेंद्र चौधरी बीते कई दिनों से हैं। सुबह 11:00 सर्किट हाउस मुरादाबाद भूपेंद्र चौधरी जाएंगे। वहीं अमित शाह की जनसभा में भी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल होंगे। खबर बिजनौर से है, तेज रफ्तार ट्रक ने बुग्गी में टक्कर मारी है।
7 वर्षीय बच्ची को ट्रक ने कुचला है, जिससे बच्ची की मौके पे ही दर्दनाक मौत हुई है। दादा पोती बैलगाड़ी पर सवार थे, तभी पीछे से टक्कर मारने की वजह से पोती की मौके पर ही मौत हो गई। भीड़ ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मंडावर थाना क्षेत्र के दयालवाला की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां ट्रक की टक्कर से बच्ची की मौत हुई है। खबर बिजनौर से है। इंस्टाग्राम वीडियो कमेंट को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। तो इंस्टाग्राम की पोस्ट पर कमेंट की वजह से ये विवाद हुआ, कई लोग चोटिल हुए हैं। वहीं पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार टीम गठित की गई है। पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के चंद्रपुर का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इंस्टाग्राम वीडियो कमेंट को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा, रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी, फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है, मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।